बस आज हम बनाएंगे जी फिश के कोफ्ते। ये फिश बोनलेस है जो कि मैंने बड़ी मेहनत से बोनलेस की है। एक एक कांटा कैसे निकाला है ये मुझसे पूछे। इसको फिश को जी बोनलेस कर लिया है। बोनलेस करने के बाद फिश जी हमने एक खाने का चम्मच इसमें लहसुन, एक खाने का चम्मच अदरक पेस्ट हमने डाल दिया है और एक चाय का चम्मच अजवाइन डाली है और एक खाने का चम्मच साल्ट डाल के हमने रख देना है 3 से 4 घंटे। और फिर इसका सारा ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया स्मेल वाला। ठीक है, ये पानी निकलेगा इसका, ये इसका पानी निकलेगा जिसकी वजह से इसकी स्मेल चली जाएगी। ठीक है, इसको 3-4 घंटे हम रखेंगे। उसके बाद हम इसको वॉश दोबारा से करके हम फिर इसको ड्राई करेंगे। देखें फिश को हमने मसाला लगाया था, लहसुन अदरक अजवाइन और नमक लगा के रखा था। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी से वॉश अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि नमक साल्ट और सारा इसका जो स्मेल वाला पानी है वो निकल जाएगा फिश के कीमे में से। ये देखें व्यूअर्स, और इसको छलनी में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम जो है ना निचोड़ लेंगे फिर। अच्छा, फिश जो हमने कल को वॉश करके इस बास्केट में रख दी थी और सारी रात फ्रिज में रही और इसका पानी अच्छी तरीके से निचड़ गया है। अब हमने जी इसका इसमें ग्राइंडर में डाल के हमने जो है ना कीमा बना लिया है। ये देखिए, ठीक है, कीमा बना लिया है। अब जी हमने लेना है ये कीमा फिश का जो हमने बना लिया है ग्राइंडर में। और ये हैं जी प्याज और सब्ज़ मिर्चें हमने पीस लिए हैं इस तरह चॉपर में डाल के। ठीक है, इसको हमने निचोड़ना है। ये देखिए पानी बिल्कुल भी ना जाए, इसको हमने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। जो आप लोगों के कोफ्ते नहीं बनते उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें पानी रह जाता है। इसको अच्छी तरीके से हमने निचोड़ना है प्याज और सब्ज़ मिर्च चौकी हुई। जो कोफ्ते जुड़ते नहीं उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें आपका कीमे में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। मैं पूरी रात बीफ का बनाऊं, मटन का बनाऊं या चिकन के कोफ्ते बनाऊं, वॉश करके कीमा पूरी रात मैं जाली में रख के ना पूरी रात मैं फ्रिज में रख देती हूँ, सारा पानी निकल जाता है। फिर सुबह को मॉर्निंग में फिर अगले दिन मैं जो है ना एक दिन मैं सिर्फ कीमा तैयार करती हूँ, अगले दिन मैं फिर कोफ्ते बनाती हूँ, फिर बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके आप चाहें तो नरगिसी कोफ्ते भी बना लें तो नहीं टूटेंगे। मेरे तरीके से बनाएंगे कभी आपका कोफ्ता नहीं टूटेगा। ये देखें प्याज और सब्ज़ मिर्चों का ये पानी निकल गया है। अब इसमें डालना है हमने भुने हुए चने, भुने हुए उसका मैंने पाउडर ये खुद बनाया है, ये डालना है। कई इसके अल्टरनेट हम बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है ना बेसन में से ज़रा कच्चेपन की स्मेल आती है ज़्यादा। यानी कि मज़ेदार कोफ्ते अगर बनाना चाहते हैं आप बहुत खुशबूदार, तो आप भुने हुए चने लेकर उसको खुद अभी मैंने देखें ग्राइंड करके तो जो है ना इसमें ये 3-4 टेबल स्पून मैंने, क्योंकि मेरा कीमा ज़्यादा है इसलिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने भुने हुए चनों का आटा डाला है। और ये मैंने डाला है ये धनिया खुशक साबुत और खुशक जीरे का जो है ना तवे पे भून के तो मैंने इसका पाउडर बना लिया, तो इसका मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून डाला है।
नमक और सुर्ख मिर्च भी हमने डाल लिया हसबे जायका इसमें। अब हम डालेंगे जी जिससे इसकी बाइंडिंग होनी है अंडा, एग को बीट करके 2-3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर एग, इससे बाइंडिंग होगी और आपके कोफ्ते, छोटे साइज़ का अंडा है मैंने पूरे का पूरा डाल दिया, और अगर ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून मैं और डाल दूंगी इसके अंदर जो भुने हुए चने का पाउडर। अच्छा अब ये देखें कितना स्मूथ, अच्छा ये बहुत अच्छे टेस्टी मज़ेदार आपके कोफ्ते बनेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो बीफ के बना लीजिए कोफ्ते, आप उसके बना लीजिए, चिकन के बना लीजिए, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, प्याज और सब्ज़ मिर्चें या लहसुन अदरक का जो पेस्ट डालना है उसको आप अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए, और कीमे आपके में भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से यकजान करके आप इनके कोफ्ते बना के फ्राई कर लीजिए। ये देखिए व्यूवर्स बन गए हैं तकरीबन 60 कोफ्ते बन गए हैं, और बड़े बड़े साइज़ के ये देखें फिश के बने हैं, बड़े बड़े साइज़ के हमने शेप दे ली है। अब हम इनको करेंगे जी ये देखिए, अब हम करेंगे इनको फ्राई, और ये बन रहा है जी मसाला, प्याज टमाटरों का मसाला, जिस तरह से करी, जिस तरह से शोरबा आपने बनाना है गाढ़ा सा बना लीजिए प्याज टमाटरों का। अब मैं इसमें दही डाल के भूनूंगी। व्यूअर्स ये देखें मज़ेदार सी आपको आ रही होगी इसकी फ्राई करने की आवाज़ भी, जो एक प्रॉपर बड़ा प्यारी सी आती है। अच्छा ये देखें अब कोफ्ते में चम्मच भी मार रही हूँ, लेकिन क्या मजाला है, कोफ्ता कभी आपका नहीं टूटेगा, ठीक है। इस तरह से आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है, ठीक है, सारे कोफ्तों को। और भी बस एक और बात कि आप इन कोफ्तों के मटेरियल से आप बिल्कुल इसी तरीके से आप सीख कबाब भी बना सकते हैं, इसको सीखों पे लगाएं और आप इसका बारबेक्यू बना लें, सीख कबाब बना लें, सीख कढ़ी बना लें, सीख कढ़ाई बना लें, इसी मटेरियल से आप कोफ्तों वाले मटेरियल से आप सीख कबाब भी तैयार कर सकते हैं। और ये देखें हमारे कोफ्ते, फ्लेम देख लें दरमियाना है, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स ये देखें मेरे कोफ्ते हमारे जी फिश के बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आप देखें अक्सर लोग जी चम्मच आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं जी, कोफ्ते टूट जाएंगे, कोफ्ते टूट जाएंगे। आप इन कोफ्तों से आप कैच कैच भी खेल सकते हैं, तो आपको देखें ये कोफ्ता नहीं टूटेगा। ये देखें प्याज टमाटरों के, प्याज टमाटर अदरक लहसुन के हमने इसमें इसके अंदर हमने डाल दिया है जी, डालना है 1 खाने का चम्मच खुशक धनिया और जीरा और मोटी इलायची का पाउडर। तकरीबन हमारे कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा हैं, 60 के करीब हैं, 2 खाने के चम्मच डालेंगे हम इसमें। डालेंगे जी 60 हसबे जायका, और जी इसमें जानी है सुरख मिर्च हसबे जायका हसबे बर्दाश्त, और जाना है जी हल्दी, हल्दी खूबसूरत खुशबू आ रही है, मज़ेदार करी तैयार हो रही है। इस तरह कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के, इनके आप, मैं फिर कह रही हूँ सीख कबाब भी बना सकते हैं, चाहे तो आप सीख कबाब बना लीजिए। फिश कोफ्ता टेस्टी मज़ेदार डिलीशियस फिश कोफ्ते की रेसिपी एवरी स्टाइल के साथ। अच्छा जी इधर से बन रहे हैं जी कोफ्ते, यहाँ हमने तैयार करने शुरू कर दी हैं रोटियाँ बनाने शुरू कर दी हैं कोफ्तों, ये देख लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें जी ये देखिए सारे मसाले, कोफ्ते इसमें पकेंगे थोड़ी देर,
भड़ा देखा माशाल्लाह, भड़े जो बहुत ज़्यादा, ये माशाल्लाह 60 बड़े साइज के फूल कोफ्ते बन रहे हैं। ये आप इसका कलर देख लीजिए कोफ्ता। अब इसको हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट।